good morning. i am anil Agarwal, former chief manager, punjab national bank. so there are many candidates. those are in reserve list of ibps po. and they are awaiting the data. what are their chances of <coughs> getting the job this year? so if we look at the joinings of the banks where joining has happened for po, that is in uco bank and central bank. so we observe that there is about 10% absentees and at the same time there are around 10 to 15 percent candidates those are also selected for sbipo and awaiting their joining in sbipo that means around 25 percent of total vacancies or total selection of last year in these banks are going to be uh, falling vacant again now the banks may go for reserve list for to fill these vacancies or they may carry over these vacancies for current year selection so there is a good scope that the candidates those are awaiting reserve list may get the chance because four reserve list will come and one reserve list may come either month end or by 31st july so uh, hope is alive and वेट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आई विल शेयर विद यू गॉड ब्लेस यू ऑल अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे जिन लोगों का नाम आई बी पी एस पी ओ की रिजर्व लिस्ट में है वो बहुत जिज्ञासा से इंतजार कर रहे हैं उस सूचना का कि उनका क्या चांस है सिलेक्शन का अब इसमें यदि हम देखें कि जैसे यूको बैंक में ज्वाइनिंग हुई सेंट्रल बैंक में ज्वाइनिंग हुई तो जो वहाँ से इंफॉर्मेशन पता लग रही है जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनसे बातचीत करने में लगभग दस परसेंट लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है दस से थोड़ा अधिक ही है ये संख्या और लगभग दस पंद्रह परसेंट लोग ऐसे हैं जिनका स्टेट बैंक में भी सिलेक्शन हुआ है और वो जैसे ही स्टेट बैंक की ज्वाइनिंग आएगी वो चले जाएंगे तो इससे हम ये अर्थ निकाल सकते हैं कि लगभग बीस से पच्चीस जो पोस्ट इन बैंकों में सेलेक्ट हुए थे से लोग ये दोबारा खाली हो जाएंगे अब ये पोस्ट हो सकता है रिजर्व लिस्ट से फिल की जाए या ये वैकेंसी करंट ईयर के सिलेक्शन में ऐड हो ये डिपेंड करेगा बैंक के ऊपर उसका क्या पैरोगेटिव है ज़्यादा चांस हमेशा होता है कि शायद रिजर्व लिस्ट से इसको फिल कर लिया जाएगा क्योंकि चार रिजर्व लिस्ट आनी है ठीक है तो पहली रिजर्व लिस्ट हो सकता है तीस जून तक आ जाए या 31 जुलाई तक आए तो हर क्वार्टर पे एक रिज़र्व लिस्ट की रिलीज होती है तो फिंगर्स आर क्रॉस्ड होप अच्छी है ज्वाइनिंग लगभग कम है इतनी ज़्यादा कम भी नहीं है पर ठीक है रिजनेबल है क्योंकि रिज़र्व लिस्ट दस परसेंट की होती है तो अगर नॉन ज्वाइनिंग दस परसेंट से अधिक है तो रिज़र्व लिस्ट कैंडिडेट का काफ़ी अच्छा चांस रहता है तो अगर रिज़र्व लिस्ट से बैंक लेना चाहता है तो इन कैंडिडेट्स की सिलेक्शन हो सकती है लास्ट ईयर आई बी पी की पूरी लिस्ट एग्जॉस्ट हो गई थी सबको जॉब मिल गई थी पर इस साल भी मिलेगी इससे कोई इन्फ्लुंस नहीं निकलता बट होप बड़ी हाई है गॉड ब्लेस यू ऑल